अभी हमारे सामने एक्सरसाइज 7.3 का है, फोर्थ क्वेश्चन। तो इस फोर्थ क्वेश्चन में क्या क्या करना है, फोर्थ में इन्होंने बी एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो एक ट्रायंगल एबीसी हो गया ये, और इस ट्रायंगल एबीसी में बी और सी एफ दो इक्वल एल्टीट्यूड इन्होंने दिए हुए हैं। तो एक बी ये एल्टीट्यूड हो गया यहाँ पर, और एक ये सी एफ ये एल्टीट्यूड हो गया यहाँ पर। तो ये दोनों दिए हैं। अब हमें आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल से एबीसी को आइसोसेलेस शो करना है। अब ये सीएफ जो है ये परपेंडिकुलर है एबी के, बी परपेंडिकुलर है एसी के, और सीएफ और बी दोनों इक्वल भी हैं। तो इन ट्रायंगल बीएफसी एंड ट्रायंगल सीईबी, ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं। तो बी एफ सी और सी बी दो ट्रायंगल लेने से अगर हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे तो बी एंगल जो है वो सी के इक्वल आ जाएगा, तो ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो बी एफ सी और सी ई बी में यहाँ पर हमारे पास एफ सी इज इक्वल टू ई बी है, जो इन्होंने दिया है कि एल्टीट्यूड दोनों इक्वल हैं। दूसरा एंगल बी एफ सी इज इक्वल टू एंगल सी ई बी, ये 90 डिग्री हैं क्योंकि ये परपेंडिकुलर हैं। साइड जो बी सी है वो कॉमन है दोनों में, तो बी सी इक्वल टू सी बी, क्योंकि जो ट्रायंगल की सीक्वेंस ली है वो बी सी और ये सी बी, तो इसलिए बी सी इक्वल टू सी बी हो गया। राइट एंगल्ड तो 90 डिग्री का ये हो गया। हाइपोटेनियस 90 के सामने ये हाइपोटेनियस है, एच हो गया यहाँ पर, और एक साइड जो ये अल्टीट्यूड्स हैं ये दोनों इक्वल हैं, तो इसको हम एक साइड की तरह कंसिडर करेंगे। तो बाई आर एच एस ट्रायंगल बी एफ सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ई बी, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी के इक्वल हो जाता है। ये हो गया सी पी सी टी से। तो ट्रायंगल ए बी सी में अगर हम लें तो यानी कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, तो देयरफोर ट्रायंगल ए बी सी इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ये 7.3 का फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में इन्होंने दिया है कि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ए बी इक्वल टू ए सी। अब ए बी सी ए बी और सी ये एक ट्रायंगल हो गया आइसोसेलेस, ए बी ए सी के इक्वल है, और ए पी को ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर टू बी सी, तो ए पी ये हो जाती है बी सी के परपेंडिकुलर। अब हमें शो करना है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी के है, तो दो ट्रायंगल इसमें ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी, ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये दो साइड इक्वल हो जाएंगे, और ए पी परपेंडिकुलर है बी सी के, तो ए पी जब बी सी के परपेंडिकुलर है तो ये दोनों एंगल 90 के हो जाते हैं। तो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी 90 डिग्री, और ए पी इज इक्वल टू ए पी ये साइड हो जाएगी कॉमन दोनों में। तो बाय आर एच एस रूल राइट एंगल हाइपोटेनियस और एक साइड ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी पी, तो जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये हो जाएगा सी पी सी टी से। तो इसमें यही शो करना था कि एंगल बी को एंगल सी के इक्वल दिखाना था।